Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू एम्बाइव अचीव डिफेंस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल रात के आठ बज चुके हैं और हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और धमाकेदार सेशन के साथ तो जितने लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके अपने परिवार एम्बाइब अचीव डिफेंस और आज का हमारा करेंट अफेयर्स है 27 अक्टूबर 2022। जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए ताकि आज के सेशन को शुरुआत करने में अब बिल्कुल भी देरी ना की भाई दिवाली खत्म हो गई भाई दूज हो गया गोवर्धन पूजा हो गई सब कुछ हो गया छठ भी बचा है वो भी खत्म हो जाएगा तो भाई साहब दशहरा बना लिया दिवाली बना ली भाई दूज हो गया छठ होने वाला है तो कृपया करके अब पढ़ाई के लिए वापस से लग जाओ क्योंकि बेटा देखो ये अक्टूबर का जो महीना होता है ना भारत में ये फेस्टिवल्स का महीना होता है फेस्टिव मंथ होता है हर साल त्यौार होते हैं और इसी में आपकी थोड़ी सी कहीं ना कहीं पढ़ाई डिस्टर्ब ज़रूर होती है लेकिन अब वक्त आ चुका है कि फिर से कमर की पेटी बांध ली जाए और तैयारी कर ली जाए क्योंकि करंट अफेयर्स आप जानते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और अगले साल आप लोगों के बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं चाहे वो सी हो चाहे सी का एग्ज़ाम हो यू सिविल सर्विसेज हो स्टेट पी हो एस हो या कोई भी एग्जाम हो करेंट अफेयर्स सब में आता है और जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि करेंट अफेयर्स में बेटा एक मैंने बहुत डिटेल्ड स्टडी की है और मैंने पाया है कि जब एग्ज़ाम में लास्ट के जो सिक्स मंथ्स होते हैं ना बेटा ये हमारी जो स्टडी कहती है कि जो लास्ट के सिक्स मंथ्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं ये लास्ट के सिक्स मंथ्स में लास्ट के सिक्स मंथ्स में आप ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट क्वेश्चन जो हैं लास्ट सिक्स मंथ से आ रहे हैं अगर लास्ट नाइन मंथ्स की बात करें तो आप देखेंगे कि करीब करीब थर्टी परसेंट क्वेश्चन आते हैं और लास्ट ट्वेल्व मंथ्स की बात करें तो यहाँ से आपको टेन परसेंट मतलब आप देखेंगे तो साठ परसेंट क्वेश्चन यहाँ से थर्टी परसेंट यहाँ से और दस परसेंट यहाँ से मतलब एक चीज़ तो श्योर है कि अब आपको बारह महीने से ज़्यादा का करेंट अफेयर्स नहीं करना पहला एक समय था जब देखा गया था कि डेढ़ साल पुराना भी करंट अफेयर्स आता था लेकिन अब सभी एग्जामों में ये देखा गया है कि मैक्सिमम करंट अफेयर्स 12 महीने का आ रहा है उसमें भी जो 6 महीने का करंट अफेयर्स है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं अगर आप 6 महीने का करंट अफेयर्स करके जाएंगे तो 60 परसेंट आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप 9 महीने का करके जाएंगे तो 60 प्लस तीस आप 90 परसेंट क्वेश्चन कर लेंगे और अगर आप पूरा का पूरा बारह महीने का करके जाएंगे तो नब्बे प्लस दस 10 आप हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन कर सकते हैं तो इसका मेरा ये कहना है आपसे कि भाई साहब आपको क्या करना है कि ज़ीरो से सिक्स मंथ्स पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है सेवन टू नाइन पर भी ध्यान देना है और टेन टू ट्वेल्व पर अगर थोड़ा कम ध्यान देंगे तो भी चलेगा लेकिन करना है अगर आप चाहते हैं कि पूरे मार्क्स आपको करंट अफेयर्स में चाहिए तो भैया पूरे मार्क्स चाहिए तो पूरी मेहनत भी करनी पड़ेगी ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम सेशन को ठीक है अब देखो बच्चों सबसे पहले भाई साहब एम वाइप की ऐप अगर ये ऐप आप, आप लोगों ने डाउनलोड नहीं की है तो बहुत गलत बात है क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ मिस कर रहे हैं कि जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वो ऐप आप ही आपके पास ना हो क्योंकि एम वाइप की ऐप पर जो आप लोगों को बहुत सारे पैसे खर्चा करने पड़ते थे किताबें खरीदने के लिए आप लोग जाकर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के लिए कहीं ना कहीं पेड जो है मॉक टेस्ट खरीदते थे तो कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है कोई किताब भी नहीं ख़रीदनी है कोई मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज भी नहीं खरीदनी है सब कुछ एम की ऐप पर है मतलब इट इज़ अ वेरी गुड ऐप जहाँ पर आपको सारी किताबें आपको जो है बेटा लाखों क्वेश्चन ऑल इंडिया मॉक टेस्ट टॉपिक टेस्ट हर एक चीज़ आपको एम वाइफ की ऐप पर अवेलेबल है यहाँ तक कि आप चाहें तो डायरेक्टली हमसे जो है अपने डाउट्स व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप का लिंक जो है बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो व्हाट्सएप का लिंक भी है तो व्हाट्सएप का लिंक क्लिक करिएगा आप डायरेक्टली हमसे अपने डाउट्स व्हाट्सएप पर भी क्लियर कर सकते हैं अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर एक बात बताइए हमारा तो जब तक दिल नहीं भरता जब तक हम लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन हमें सर पढ़ना भी होता है या बहुत सारे बच्चों को जो है बेटा पी से पढ़ने का शौक़ होता है तो एम्बाइब अचीफ डिफेंस एग्जाम्स ये हमारा टेलीग्राम है इस पर जुड़ जाइए यहाँ पर क्या है ना बेटा कहते हैं कि कोई भी चीज़ करने के लिए उसके माहौल में रहना ज़रूरी है जब कोई बच्चे बहुत सैतानी करते हैं लोग क्या कहते हैं सब संगत का सर तो संगत जब अच्छी होती है तो सब अच्छा होता है संगत ख़राब है तो सब कुछ ख़राब तो एम्बाइब अचीव डिफेंस ये एक जगह है जहाँ पर पढ़ाई करने वाले बच्चों का एक ग्रुप है उस ग्रुप के साथ आप रहेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स ऐसे होते हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं कई बार हम बिज़ी होने के कारण आपके जवाबों को नहीं दे पाते हैं लेकिन सच बताऊं तो 90 परसेंट आपके डाउट्स ऐसे होते हैं जो आप आपसदारी में क्लियर कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर क्योंकि यहाँ डिस्कशन पैनल भी है आप डिस्कशन भी कर सकते हैं और अपने डाउट्स को सीधे यहाँ पर जाकर क्लियर कर सकते हैं ठीक है ये हमारा बेटा आप देख सकते हैं एन अग्निवीर एग्जाम्स भी हम तैयारी करा रहे हैं तो उसका भी शेड्यूल सुबह से आप रात तक क्लासेस दे सकते हैं और सी डी एस सी ए पी एफ़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी पूरा शेड्यूल यहाँ पर मौजूद है इसके बाद ये देखिए जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से मैंने आपको बताया कि छः महीने का करंट अफेयर्स ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आप इस टेबल से देख सकते हैं कि लास्ट सिक्स मंथ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए अभी आप देखेंगे सी डी एस टू का एग्जाम हुआ था तो सेप्टेम्बर में हुआ अगस्त जुलाई जून से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए आप देख सकते हैं बाकी जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे की संख्या उतनी कम होती जाएगी ठीक है बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर जो लेकर आई है मेरी सहयोगी एमबी अमेरिका यूक्रेन को देगा हॉक एयर डिफेंस इक्विपमेंट मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का होता है इसमें यूज पीएम मोदी ने यूके के नए प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक को दी बधाई बायोलेटर रिलेशन को सुधारने के लिए रोडमैप ट्वेंटी थर्टी के इम्प्लीमेंटेशन की कही बात रशिया ने यूक्रेन पर वॉर में डर्टी बॉम्ब के उपयोग की कोशिश करने का लगाया आरोप रेडियो एक्टिव पाउडर और डायनामाइट के डेडली मिक्सर से बनता है ये बॉम्ब केरल के पल्लाकाट डिस्ट्रिक्ट में पाई गई अल्मेनिया पौधे की नई स्पीशीज पहली प्रजाति के खोज के एक साल बाद हुई ये डिस्कवरी आईआईटी मद्रास को मिला 2021 और 22 का नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड आईपी क्रिएशंस और कमर्शलाइजेशन में अचीवमेंट के लिए दिया गया ये अवार्ड। हेलो वेलकम बैक सभी ने हेडलाइंस देख ली हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप सबने हेडलाइंस देखा और समझा कि आज दुनिया में क्या क्या हो रहा है लेकिन हम लोग शुरुआत कैसे करते हैं सबसे पहले हम लोग प्रीवियस क्लास का रिविज़न करते हैं भाई कल क्लास पढ़ी थी लेकिन कितनों ने पढ़ी कितनों ने नहीं पढ़ी इसको समझना भी मुझे बहुत जरूरी है तो लास्ट क्लास का एक बार रिविज़न कर लेते हैं ताकि मालूम चले कि कल का करंट अफेयर्स किसने किसने पढ़ा था देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन है जो मुझे उम्मीद है कि अगले साल जो एग्ज़ाम्स होंगे इसमें पूछा जाएगा रिसेंटली यह ट्रॉपिकल साइक्न नेम्ड सितरांग हिट द कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आपको मालूम है कल ही पढ़ाया था मैंने सित्रांग के बारे में ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है अब ट्रॉपिकल साइक्लोन है इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश या पाकिस्तान कहाँ पर इसने हिट किया है तो आपको मालूम है इसने बांग्लादेश के बरिशाल और चिटागोंग जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर हिट किया हालाँकि बहुत ही बहुत दिवा नहीं किया क्योंकि सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में नहीं है एक मॉडरेट टाइप का साइक्लोन है सित्रांग याद रखिएगा बांग्लादेश इज द राइट आंसर द संपूर्णानंद टेलीस्कोप इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटी जल्दी बताइएगा संपूर्णानंद टेलीस्कोप कहाँ पर स्थित है तो संपूर्णानंद टेलीस्कोप जो है इसको 50 साल हो गए बहुत ही फेमस टेलीस्कोप है ये नैनीताल में स्थित है उत्तराखंड इज द राइट आंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन भी किया था कि दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कौन सा है और मैंने रात में जाके कमेंट सेक्शन को चेक किया तो पूजा का जवाब सही था बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस समय दुनिया का सबसे एडवांस टेलीस्कोप है ठीक है तो सबसे एडवांस टेलीस्कोप आपका कौन सा है जेम्स वेब इस समय दुनिया का सबसे एडवांस टेलीस्कोप है जिसे नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कोलेब्रेशन के, के साथ बनाया है ठीक है हाँ जी उससे पहले आप जानते हैं दूसरा हुआ करता था तो अभी जेम्स वेब है ठीक है हाँ नेक्स्ट ऑनेस्टी शॉप इनिशिएटिव वॉज रिसेड इन द स्कूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यू टी हाँ जी आपने देखा होगा ऑनेस्टी शॉप्स खोली गई हैं ताकि बच्चों के अंदर मॉरल uh, लेसन्स को इंकलकेट किया जा सके ऑनेस्टी इंटाइग्रिटी उनके अंदर बढ़ावा दिया जा सके और इसे केरल में शुरू किया गया है बिल्कुल सही जवाब है ए इज द राइट हाथ नेशनल मीडिया अवार्ड्स आर बीइंग गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हाँ जी जल्दी बताइएगा नेशनल मीडिया अवार्ड बेटा हमारे देश में नेशनल वोटर्स डे जो होगा पच्चीस जनवरी को उस दिन बांटा जाएगा और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है बिल्कुल सही है नेक्स्ट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी जल्दी बताइए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप जानते हैं ये इस समय मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड हो गई है मतलब इसकी संख्या अब सौ से भी कम है और लगातार एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रही है डेजर्ट नेशनल पार्क में बेसिकली पाई जाती है राजस्थान में और इसीलिए राजस्थान की ये स्टेट बर्ड भी है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ठीक है याद रखिएगा हैबिटेट लॉस हो गया है जिस वजह से इसकी पॉपुलेशन लगातार बहुत ज़्यादा कम है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में भी अब ये मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड बनती जा रही है ठीक है चलिए अब आज का करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं चलिए बहुत बढ़िया हाँ। अब आज का करंट अफेयर शुरू किया जाए ओके तो अफेयर पहली खबर आ रही है आपकी ऑपरेशन डिफेंस क्या, क्या बात है भाई साहब देखो जहां रशिया होगा जहां चाइना होगा उसके अगेंस्ट में यूएस हमेशा दिखाई देगा ऐसा नहीं है कि यूएसए की यूक्रेन से कोई बहुत ज़्यादा दिल लगाई है, है ना कोई ऐसा नहीं कि यूक्रेन से यूएसए की दिल लगी है या यूक्रेन से यूएसए जो है बहुत प्यार करता बस बात यह है कि यूक्रेन की दुश्मनी इस समय जो है वो यूएसए से अरे रशिया से और कहते ना एक कहावत आपने सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है तो यूएसए का दुश्मन रशिया और रशिया का दुश्मन यूक्रेन तो यूक्रेन से हाथ मिलाना तो भाई अमेरिका की इस समय चाहत है और अमेरिका काफ़ी पैसे खर्चा कर रहा है ऑलमोस्ट सत्रह बिलियन डॉलर्स उसने रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए लगा दिए हैं तो द यूनाइटेड स्टेट्स इज कंसिडरिंग रिट्रीविंग ओल्डर हॉक एयर डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम स्टोरेज टू सेंड टू यूक्रेन विच इज़ फेसिंग अ हैवी बैरिज ऑफ रशियन ड्रोन फायर एंड क्रूज मिसाइल्स तो भाई साहब ये एयर डिफेंस इक्विपमेंट है याद रखिएगा अब एयर डिफेंस इक्विपमेंट क्या है कि भाई ड्रोन से हमले हो रहे हैं मिसाइल से हमले हो रहे हैं जैसे आपने एयर डिफेंस सिस्टम देखा होगा रशिया इसराइल के पास बहुत ही फेमस है आयरम डोम जिसे कहा जाता है या एस फोर हंड्रेड रशिया के पास है तो ये एक बहुत ही फेमस एयर डिफेंस सिस्टम है इसका नाम है हॉक और यूनाइटेड स्टेट्स इसे जो है यूक्रेन को देगा उसकी मदद करने के लिए क्योंकि अमेरिका का मानना है कि रशियन बॉम्ब्स जो यूक्रेन सिटीज़ हैं खासतौर से कीव हो गया खारकीव हो गया वहां पर बहुत डिवास्टेशन मचा रहे हैं तो एयर डिफेंस के लिए उन्हें हॉक सिस्टम दिया जा रहा है अब हॉक का फुल फॉर्म क्या है हॉक का फुल फॉर्म है शॉर्ट फॉर होमिंग ऑल वे किलर एंटर्ड सर्विस विद द यूएस आर्मी 1959, ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर इट इज अ मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम इट इज मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ठीक है तो ये एक बहुत ही पुराना सिस्टम है हालांकि अगर यूएसए को इतना ही मन था तो बेटा यूएसए को थार्ड देना चाहिए था टी एच ए ए डी आपने सुना होगा जो यूएसए भारत को बेचने की कोशिश कर रहा था हालांकि भारत ने एस फोर हंड्रेड ले लिया रशिया से इस बात को लेकर न्यू दिल्ली और वाशिंगटन में थोड़ी खटापटक भी हो गई थी ठीक है एनी तो हॉक जो है बेटा होमिंग ऑल द वे किलर ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और ये नाइनटीन में इंडक्ट किया गया था यूएस आर्मी में और इसे वियतनाम वॉर में इस्तेमाल किया गया था द फेमस वियतनाम वॉर जहाँ पे अमेरिका की बहुत बुरी हार हुई थी एनी ठीक है अमेरिकन सैनिक लड़ने से नहीं बल्कि जंगल में मर गए मलेरिया से मर गए ठीक है बेटा तो एक ऐसे वॉरफेयर जिनके लिए वो तैयार नहीं थे वहाँ पर हुआ ठीक है तो अगर यहाँ पर बात की जाए तो आप देख सकते हैं इस तरह से है इट underwent upgrades ओवर द decades दैट फॉलोड इंक्लूडिंग अ मेजर one 1971 सेवनटी वन दैट प्रोड्यूस दो कॉल्ड वन हॉक और इम्प्रोवाइज आई हॉक जिसे इम्प्रोवाइज हॉक कह सकते हैं विद अ किल प्रोबेबिलिटी ऑफ एटी फाइव परसेंट ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं द फर्स्ट वर्जन ऑफ सिस्टम रेंज ऑफ फॉर एरियल टारगेट्स एंड एल्टीट्यूड ऑफ फोर्टीन किलोमीटर्स तो बेटा ये एरियल टारगेट्स को जो है चौदह किलोमीटर की ऊंचाई तक और करीब करीब पच्चीस किलोमीटर की दूरी तक मार सकता है तो so इसका एल्टीट्यूड रेंज चौदह किलोमीटर तक है और जो इसकी रेंज है पच्चीस किलोमीटर तक है याद रखिएगा ठीक है अब जो है बेटा चालीस किलोमीटर है और एल्टीट्यूड अट्ठारह किलोमीटर हो गया है तो इम्प्रोवाइज वर्जन है तो आप देख सकते हैं ये अट्ठालीस किलोमीटर और अट्ठारह किलोमीटर ऊंचाई तक मार सकता है द हॉक सिस्टम वॉज अ प्रिडिटेसर ऑफ द पेट्रियॉट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दैट रेत बिल्ड इन नाइनटीन नाइनटीज यूएस फोर्स लार्जली स्टॉप यूजिंग हॉक फ्रॉम द अर्ली ईयरस ऑफ न्यू सेंचुरी तो अब फिलहाल तो बेटा ये स्टोरेज यूनिट्स में पड़ा हुआ है तो ये अभी फिलहाल यूएस इस्तेमाल नहीं कर रहा है ठीक है हाँ जी लेकिन ठीक है अभी यूएसए ने कहा कि भाई जब पड़ा हुआ है तो इसे दे दिया जाए तो यूक्रेन को रशिया यूक्रेन को देगा अमेरिका रशिया से लड़ने के लिए अब आप देख सकते हैं यूएसए प्रोवाइडेड ऑलमोस्ट सत्रह बिलियन वन ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंस टू यूक्रेन सिंस द लॉन्च ऑफ रशियान ऑन फरवरी ट्वेंटी तो चौबीस फरवरी से अब तक ऑलमोस्ट जो है सत्रह बिलियन की सिक्योरिटी असिस्टेंस जो है यूएसए दे चुका है सत्रह बिलियन डॉलर्स तो ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है तो ऑलमोस्ट सत्रह बिलियन डॉलर्स, अगर आप इसे करें तो काफी बड़ा अमाउंट हो जाएगा याद रखिएगा ठीक है एक लाख करोड़ रुपए के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा <coughs> चलिए आगे बढ़ते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन नेशनल आई पी अवार्ड्स दो हजार इक्कीस बाईस फॉर आई आई टी मद्रास बहुत बढ़िया बेटा आई आई टी मद्रास अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो और अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो तो आजकल आप देख रहे होंगे आई मद्रास काफ़ी न्यूज़ में रहता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास जिसे आई चेन्नई भी कह सकते हैं आप यहाँ पर इनोवेशंस लगातार हो रहे हैं ठीक है इनोवेशंस लगातार हो रहे हैं और नए नए आई पीज़ समझते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जिनका हम पेटेंट ले सकते हैं मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी ने नहीं बनाई हमने उसे बनाया हम उसका पेटेंट लेते हैं तो आई मद्रास ने इधर बहुत सारे पेटेंट्स लिए और इसीलिए इसे, इसे नेशनल आई पी अवार्ड दो हजार इक्कीस बाईस दिया जा रहा है आई टी मद्रास को तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड फॉर दो हजार इक्कीस एंड बाइस द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जिसे डी पी आई आई टी कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज इनिश्यूटेड द अवार्ड तो इस अवार्ड को जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आप जानते हैं जिसके मंत्री श्री पीयूष गोयल साहब हैं और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड जो है उसके तहत इसे दिया जा रहा है तो काफ़ी बड़ा अवार्ड है याद रखिएगा और यहाँ द टोटल नंबर ऑफ़ पेटेंट एप्लीकेशन फाइल्ड इन इंडिया यहाँ पर अगर आप देखेंगे द टोटल नंबर ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन फाइल्ड इन इंडिया एटलीस्ट वन इंडियन एप्लीकेशन 2021 वाज 120 एंड 68 वर अब्रॉड अ टोटल ऑफ 133 पेटेंट्स वर ग्रांटेड टू इंडिया एंड सेवन अब्रॉड एंड द टोटल नंबर ऑफ पेटेंट्स लाइसेंसड विक्स फाइव वर असाइंड एंड एलेवन वर कमर्शलाइज अब आप देख सकते हैं कि कितने सारे पेटेंट्स जो हैं आई आई टी मद्रास को दिए गए हैं और इसी वजह से इसे नेशनल इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अवार्ड जो है वो इस साल दो हज़ार इक्कीस बाईस का दिया जा रहा है तो समथिंग वेरी गुड फॉर आई टी मद्रास देखो बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर आप जितना ज़्यादा खर्चा करोगे जितना देश में आर एंड डी बढ़ेगी उतने ज़्यादा देश में नई इन्वेंशन डिस्कवरीज़ होंगी भारत में कोई ऐसा इन्वेंशन क्यों नहीं होता है ज़्यादातर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डायनामाइट इसने बनाया कार इसने बनाई ए सी इसने बनाया रेलवे इंजन इसने बनाया भारत में नाम क्यों नहीं क्योंकि भारत में आर एन डी नहीं होती लेकिन अब जो नए नए सेंटर्स हैं खासतौर से आई आई टी मड्रास हो गया आई आई टी रोपड़ हो गया आई टी ये सब जो हैं काफ़ी अच्छे इनोवेशन सेंटर्स हैं और हमारे देश में भी अब नीति आयोग भी काफ़ी प्रमोट कर रहा है अटल इनोवेशन मिशन वगैरह के तहत तो इससे भारत में जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बढ़ रहे हैं ठीक है आगे देखते हैं रोड मैप 2030 फॉर इंडिया यूके फ्यूचर रिलेशंस क्या बात है <laughs> उम्मीद है ये जो हमारे नए प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनाक भाई कहते ना फिर भी दिल तो है हिंदुस्तानी तो भले ही इंग्लैंड में पैदा हुए परिवार इंग्लैंड में रहता है लेकिन भारत से रिश्ते हैं और ये भारत के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैप करने के लिए तो रोड मैप ट्वेंटी थर्टी बनाया गया है फॉर इंडिया फ्यूचर रिलेशन तो रोड मैप ट्वेंटी थर्टी फॉर इंडिया यू के फ्यूचर रिलेशन आइए देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली कॉन्ग्रेचुलेटेड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट ऋषि सुनाक एंड सेड ही लुक द फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली टुगेदर ऑन ग्लोबल इशूज एंड इंप्लीमेंटिंग द रोड मैप ट्वेंटी थर्टी फॉर बायलेटरल लेटरल रिलेशन द रोड मैप ट्वेंटी थर्टी फॉर इंडिया यूके फ्यूचर रिलेशन्स वॉज लॉन्च लास्ट ईयर ठीक है तो एक रोड मैप बनाया जा रहा है बायलेटरल रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए बायलेटरल मतलब होता है दो पक्षीय जिसमें सिर्फ दो देशों की बात होगी तो इंडिया और यू के बीच में चीज़ें कैसे इंप्रूव हो सकें कैसे रिश्ते बेहतर हो सकें इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया था लास्ट ईयर लेकिन क्योंकि ब्रिटेन एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की गुजर रहा है एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था जिस वजह से इस रोड मैप को हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे लेकिन उम्मीद करते हैं कि नए प्रधानमंत्री जी के वजह से इस रोड मैप को आगे बढ़ावा मिलेगा अब देखिएगा वैसे तो ये बोरिस जॉनसन साहब के समय में यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साइन द ट्वेंटी थर्टी रोड मैप फॉर इंडिया यू के रिलेशन इन अ वर्चुअल मीटिंग ऑन चार मई दो तो 4 मई 2021 को ही साइन हुआ था द रोड मैप आउटलाइंस एम्बिशंस फॉर द पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज ओवर नेक्स्ट टेन ईयर्स तो अगले दस साल में जो पार्टनरशिप्स होंगी उस पर यह साइन हुआ था मई 2021 में एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी बोरिस जॉनसन और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में अब बात ये आ रही है कि किन सेक्टर्स में इस पर बात हो रही है तो किन सेक्टर्स में यहाँ पर बात हो रही है तो बेसिकली देखिए काफी इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो भाई साहब देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई एफ हो जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाता है इससे क्या होता है जब हम विदेशों से कोई चीज़ इम्पोर्ट करते हैं तो इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है यहाँ से यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पे देना पड़ता है तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है ये जो टैरिफ्स होते हैं ये रिमूव कर दिए जाते हैं जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं ना वो हटा दिए जाते हैं तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एजुकेशन बूस्ट इंडियन स्टार्टअप्स तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है एजुकेशन है इंडियन स्टार्टअप्स को बूस्ट करना है तो ये बेसिकली जो मेन रोडमैप है इस दस साल में हमें इंग्लैंड और भारत के बीच ये होना है ठीक है आगे बढ़ते हैं मूविंग फॉरवर्ड नाउ जियोपॉलिटिक्स रशिया सेज यूक्रेन यूजेज रेडियो एक्टिव डर्टी बॉम्ब्स अब देखिए भाई साहब ये एक नई मुद्दा छिड़ गया भाई अब अभी तक आप सुनते आ रहे होंगे कि रशिया के ऊपर आरोप लग रहे थे अब रशिया ने यूक्रेन पर आरोप लगा दिया है और उसका कहना है कि यूएस रशिया के जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो साहब डर्टी बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब एक रेडियो रेडियो एक्टिव बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे ह्यूमैनिटी को नुकसान हो सकता है ठीक है आइए देखते हैं amid russia's allegations ऑफ़ यूक्रेन ट्राइंग टू यूज डर्टी bombs इन द ongoing war india's defense डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अर्ज बोथ द नेशंस टू अवॉइड एनी of ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बहुत अच्छी बात है भाई साहब अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जोलेंस्की साहब के ऊपर आरोप है कि डर्टी बॉम्बस का इस्तेमाल हो रहा है न्यूक्लियर वेपन्स बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है और ये बहुत अच्छा साइन नहीं है क्योंकि दुनिया नहीं चाहती कि दुनिया में बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया जा सके ठीक है तो राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि भाई साहब हमें जो है शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाहिए तो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है डॉटी बॉम्ब्स क्या हैं ठीक है तो डर्टी बॉम्ब्स जो हैं ये रशिया ने एलिगेशन लगाए हैं अ डॉटी बॉम्ब की बात करें इज अ मिक्स ऑफ एक्सप्लोजिव सच एज डायनामाइट विद रेडियो एक्टिव पाउडर ऑफ पैलेट्स ठीक है तो अब इनका कहना है कि डर्टी बॉम्ब होता क्या है इसके अंदर एक्सप्लोजिवस होते हैं जैसे कि डायनामाइट होता साथ में रेडियो एक्टिव पाउडर होता है जैसे यूरेनियम वगैरह का इस्तेमाल हो सकता है वेन द डायनामाइट और अदर आर सेट ऑफ द ब्लास्ट कैरीज एक्सप्लोजिवर मटीरियल इन टू दराउंड इज अ डर्टी बॉम्ब सेम एज एजोमिक बॉम्ब अ डर्टी बॉम्ब वर्कस कंप्लीटली डिफरेंट एंड कैन नॉट क्रिएट एन एटोमिक ब्लास्ट इंस्टेंट अ डर्टी बॉम्ब यूजेज डायनामाइट और अदर एक्सप्लोजिव टू स्कैटर रेडियो एक्टिव स्मोक और अदर मटीरियल इन ऑर्डर टू कॉज रेडियो एक्टिव कॉन्टेमिनेशन तो ये रेडियो एक्टिव जो ये जो बेसिकली डर्टी बॉम्ब्स होते हैं एक तरह के न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं है लेकिन जो न्यूक्लियर डस्ट होती है उसको प्रोपोगेट करने में काम आते हैं जब ब्लास्ट होता है जब फटता है तो भाई साहब वो धुआं जो है बढ़ता है जिससे क्या होता है कि एरिया में न्यूक्लियर कॉन्टामिनेशन होता है रेडियोक्टिक कॉन्टैन कॉन्टामिनेशन होता है रेडियोक्टिक कॉन्टैनिमेसन से काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है डी एन एस चेंजेस हो सकते हैं लोगों को कैंसर डिजीजेस हो सकती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे क्रिएट हो सकती हैं ठीक है एनी वेज तो द मेन डेंजर ऑफ अ डर्टी बॉम्ब इज द एक्सप्लोजन विच कैन कॉज सीरियस इंजरीज एंड प्रॉपर्टी डैमेज द रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज इन द डर्टी बॉम्ब्स वुड प्रोबेबली नॉट क्रिएट इनफ रेडिएशन एक्सपोजर्स टू कॉज इमीडिएट सीरियस इलनेस एक्सपेक्ट टू डोज आर वेरी क्लोज टू द ब्लास्ट साइट ठीक है तो so, जो ब्लास्ट साइट के बहुत ज़्यादा करीब होंगे उनको ज्यादा नुकसान है तो so, मतलब आप कह सकते हैं ये छोटा टाइप का न्यूक्लियर बॉम्ब है लेकिन इसे डर्टी बॉम्ब्स कहा गया है ठीक है तो कहते हैं ना दुनिया में हमेशा कोई ना कोई तरीका निकाला जाता है जब न्यूक्लियर बॉम्ब पे रोक है तो कुछ ऐसा निकालो कि इंपैक्ट वही हो नाम कोई और हो ठीक है हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यू क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज इन केरला क्या बात है तो बेटा आप जानते होंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड जैसे एनिमल्स होते हैं वैसे प्लांट्स भी होते हैं तो ये एक साल बाद देखा गया है केरला में तो रेयर ंग प्लांट स्पॉटेड ऑन द ग्रेनाइट हिलॉक्स ऑफ द पलाकार्ड बिन आइडेंटिड न्यू स्पीसीज ऑफ जीनस अल्मानिया ठीक है अब देखिएगा तो यहाँ पर क्या है बेटा ये ये प्लांट है देखिए ये दिखा हुआ है -like यहाँ पर दिख रहा है ये ग्रेनाइट हिलॉक्स पे मिला है पल्लाकार डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में और ये अल्मानिया जीनस को बिलोंग करता है नेम्ड अल्मानिया मल्टी द स्पीशीज इज क्वाइट स्पेशल फ्रॉम बोथ द बोटानिकल एंड कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स ठीक है तो so, पलाकार्ड में मिला है अल्मानिया याद रखिएगा जीनस अल्मानिया का ये स्पीशीज है जो पाया गया है एनुअल हब दैट ग्रोस टू हाइट ऑफ अबाउटी सेंटीमीटर अल्मानिया मल्टीफ्लोरा इज द स्पीशीज ऑफ दिस जीनस आइडेंटिफाइड सो फार एनीर द डिस्कवरी है जीनस एंड द फर्स्ट स्पीसीज वर डिस्क्राइब बाई द बोटानिस्ट द फर्स्ट स्पीशीज अल्मानिया नोडीफ्लोरा वॉज औरिजनली पब्लिश अंडर द जीनस कैलोसिया एज कैलोसिया नोडीफरा इन सेवनटीन फिफ्टी थ्री स्पेसिमेन फाउंड इन सिलॉन वर फर्स्ट डिस्क्राइब एज अल्मानिया नोडीफ्लोरा इन एटीन थर्टी फोर याद रखेगा तो ये काफ़ी फेमस है मल्टीफ्लोरा नाम दिया गया है अलमानिया मल्टी फ्लोरा इसकी पहली स्पीशीज जो थी उसका नाम था अल्मानिया नोडी फ्लोरा तो अलमानिया नोडी फ्लोरा थी अब ये जो है दोबारा पाई गई है एक साल बाद ये श्रीलंका में पाई गई थी एटीन में अब इसका नाम रखा गया अलमानिया मल्टी ठीक है बच्चों तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये आप देख सकते हैं ये आई के बारे में आप लोग को मैं हमेशा बताता रहा हूँ तो आई जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर गिवन इट्स स्मॉल पॉपुलेशन द रिसर्चर्स हैव रिसर्च है आई यू सी एन रेडलिस्ट क्राइटेरिया ठीक है जी पॉपुलेशन इज क्वाइट स्मॉल इट ठीक है? हाँ जी यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है, चलिए। तो के में से शामिल किया गया कटराज जोलॉजिकल पार्क टू गेट जेब्रास फ्रॉम अब्रॉड क्या बात है अभी हमारे देश में आपने देखा होगा कि चीता लाए गए नमीबिया से नमीबिया से चीता हमारे देश में लाए गए जिन्हें कहाँ पर छोड़ा गया जल्दी बताइएगा ये कमेंट बॉक्स में आपका आंसर चाहिए मुझे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दिएगा कि जो हमारे देश में है नमीबिया से 40 करोड़ रुपए के पांच चीते खरीदे गए उन्हें कहाँ पर छोड़ा गया है हाँ जी कहाँ पर उन्हें छोड़ा गया आप जानते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के दिन उसे पाँच चीतों को छोड़ा गया कहाँ पर कौन से नेशनल पार्क में इसका जवाब तो अब हमारे देश में जेबरा भी लाए जाएंगे याद रखिएगा ये पुणे में ठीक है बच्चों हाँ जी तो पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज लाइकली टू इम्पोर्ट ग्रांड जेब्रास फॉर इट्स राजीव गांधी जोलॉजिकल एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर इन काटराज ठीक है ये देख सकते हैं कटराज में है यहाँ पर ये देखिएगा तो राजीव गांधी जोलॉजिकल एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर जो कटराज में है वहां पर पुणे ने कहा है कि ग्रांड जेब्रास लाए जाएंगे अब ये ग्रांड जेब्रा क्या होते हैं जेब्रा वैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में जिन्हें गधा कहा जाता है डोंकी वही अफ्रीका में जेबरा होते हैं तो जेबरा क्या है डोंकी का ही प्रकार कह सकते हैं आप ठीक है तो ग्रांड जेबरा इज द स्मॉलेस्ट ऑफ सिक्स सब स्पीशीज ऑफ द प्लेन जेबरा इवन स्टिल दे वे बिटवीन फोर एटी फाइव सेवन हंड्रेड पाउंड शोल्डर हाइट ऑफ चार से साढ़े चार फिट तो चार से साढ़े चार फिट की इनकी हाइट होती है और ये चार सौ से लेकर के सात सौ पाउंड के आसपास हो सकते हैं सब स्पीसीज़ रिप्रेजेंट द जेबरा फ्रॉम द मारा इको सिस्टम एंड अदर्स अक्रॉस सेंट्रल अफ्रीका ठीक है भाई साहब हाँ जी तो अफ्रीका से लाए जाएंगे ग्रैंड जेबरा ठीक है बच्चों हाँ जी इम्पोर्ट किए जाएंगे कटराज में ठीक है ठीक है राजीव गांधी जोलॉजिकल वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर ठीक है वहाँ पर ये महाराष्ट्र में लाए जाएंगे आगे बढ़ते हैं भैया कटराज जोलॉजिकल पार्क के बारे में बात करें राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क कॉमनली नोन एज द राजीव गांधी जू और कटराज जू इज लोकेटिंग कटराज पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र इट इज मैनेज बाय द पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तो कटराज जू है ये वहां पर लाए जाएंगे जो कि महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अफ्रीका से मंगाए जाएंगे एनवायरमेंट ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट प्रोग्राम लॉन्च इन आसाम दिस इज समथिंग कॉल्ड इम्पोर्टेंट भाई देखो जब भी बात बेटा आ जाए ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट जब भी बात आ जाए एनवायरमेंट की तो कान खड़े कर लिया करो क्योंकि क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंट यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं ठीक है हाँ जी तो आसाम गवर्नमेंट एंड द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसेंटली लॉन्च द ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया ठीक है जिसे टोफी कहा गया प्लीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम फॉर ब्रिंगिंग फार्मर्स कंपनीज एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टूगेदर टू एक्सपैंड द ट्री कवरेज आउटसाइड द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट इन दीट कहते हैं ना कि हर चीज की एक जगह है तो पेड़ पौधे आप जंगलों में देखते हैं लेकिन लोगों से कहा गया भैया जो बिजनेस मैन हैं कंपनीज हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं फार्मर्स हैं उनसे कहा गया है कि भाई साहब ये सिर्फ आप जंगलों में ही क्यों जंगलों से बाहर क्यों नहीं लेके आ रहे हैं पेड़ों को तो पेड़ों का फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करना है देश ए फॉरेस्टेशन ड्राइव है ये एक तरह की इसे टोफी कहा गया है ठीक है तो ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया ये आसाम में शुरू किया गया है और मदद इसमें किया गया है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएस एड द्वारा ठीक है जी द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द ट्री कवरेज आउटसाइड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट बाय 2.8 मिलियन हेक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग इंडिया नेशनली डिटर्म कंट्रीब्यूशन टारगेट ऑफ क्रिएटिंग एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 टू 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड इक्वेलेंट बाई दो हज़ार तीस ठीक है अब भाई हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब आप कह चुके हैं ग्लासगो में कि भाई 2030 तक भारत जो है कार्बन सिंक बन जाएगा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा अब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए तो आपको पेड़ चाहिए ठीक है भारत में फॉरेस्ट कवर ऑलमोस्ट 24 परसेंट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया है हालांकि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए करीब करीब 33 परसेंट होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन द्वारा जो यू एन है उसके अनुसार तैंतीस परसेंट होना चाहिए तो फॉरेस्ट कवर बढ़ाना चाह रहे हैं हमारे देश में ताकि हम कार्बन सिंक बना सकें दो तक हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है ग्लैसगो में हम बोल के तो आए हैं तो भाई साहब इसको पूरा भी करना पड़ेगा ठीक है हाँ जी चलिए नेक्स्ट है डेज इन इवेंट वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज 2022 27 अक्टूबर को आज आपको मालूम है बड़ा इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज क्या बात ऑडियो विजुअल ऑडियो वीडियो हेरिटेज ठीक है ऑडियो वीडियो हेरिटेज बेटा ये बहुत बड़ी हेरिटेज है भाई आजकल के कॉमेडियंस को देख के हमें बड़ी हंसी आती है कपिल शर्मा का शो देखते हैं बहुत अच्छा लगता है लेकिन कभी चार्ली चैपलिन का शो देखा है बेटा इसमें आवाज नहीं होती वो एक्सप्रेशन से आपको हरा हंसा देते थे तो एक्सप्रेशन से किसी को हंसाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है तो ये हेरिटेज है तो आज जो है इंटरनेशनल डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज है याद रखिएगा ऑडियो विजुअल हेरिटेज रिफर्स टू डॉक्यूमेंट्स लाइक फिल्म साउंडस रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम्स एंड अदर ऑडियो एंड वीडियो दैट आर ऑफ सोशियो कल्चरल इंपॉर्टेंस एंड नीट प्रिजर्वेशन फॉर प्रोस्टारिटीज सच डॉक्यूमेंटेशन हेल्प अस ऑब्जर्व अंडरस्टैंड द पास प्रोटेक्ट अवर मेमरीज एंड कल्चर वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हैरिटेज इज सेलिब्रेटेड ऑन सत्ताईस अक्टूबर एवरी ईयर टू हाईलाइट एंड प्रमोट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सच प्रिजर्वेशन तो ये क्या है बेटा ये इस दिन का मेन जो अक्सद है वो ये है कि दुनिया की जो कल्चरल इंपॉर्टेंस के ऑडियो विजुअल्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखना जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ रामायण बनाया गया या महाभारत बनाया गया जो आज भी हम देखते हैं अच्छा लगता है बिया चोपड़ा साहब ने महाभारत बनाई थी आज भी देख लेते हैं अच्छा लगता है तो वो इम्पॉर्टेंट है देश के लिए तो उसको प्रिजर्व करके रखना ठीक है तो ऐसे ऑडियो विजुअल्स ठीक है या हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने उन्नीस में पंद्रह अगस्त के दिन जो स्पीच दी थी ठीक है ये सब चीज़ें जो है ना बेटा ये नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं तो इनको प्रिजर्व करके रखना ऑडियो और वीडियोस को तो उसी के लिए वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज बनाया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है 27 अक्टूबर आज के दिन ही मनाया जाता है एनलिस्टिंग डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज टू प्रमोट इंक्लूसिव जस्ट एंड पीसफुल सोसाइटीज इज द थीम ऑफ डब्ल्यू डी ए एच दिसर इट रिफर्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ अचीविंग विजुअल एंड सोनिक इन्फॉर्मेशन टू प्रिजर्व हिस्ट्रीज फॉर सोसाइटीज बेनिफिट एंड प्रोग्रेस तो बेटा सोसाइटी के बेनिफिट और प्रोग्रेस के लिए ये करना जरूरी है ठीक है तो इसका एनलिस्टिंग डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज टू प्रोमोट द इंक्लूसिव जस्ट एंड पीसफुल सोसाइटीज ठीक है तो इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि दुनिया को एक पीसफुल सोसाइटी बनाना है और दुनिया को पीसफुल सोसाइटी बनाना है ताकि दुनिया जो है इससे फ़ायदा ले सके और आगे बढ़ सके तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था ठीक है तो आज का हमारा करंट अफेयर्स खत्म हो गया ठीक है वैसे सबसे पहली बार इसे उन्नीस में बनाया गया था आप जान लीजिए यूनाइटेड नेशंस यूनेस्को द्वारा ये हाँ सबसे पहली बार उन्नीस में बनाया गया था यूनेस्को ने कहा था और उसके साथ हर साल बनाया जा रहा है ठीक है हाँ जी चलिए तो आज का करंट अफेयर्स तो हो गया ख़त्म लेकिन करंट अफेयर्स के बाद भाई साहब जब तक क्वेश्चन ना किया जाए तब तक मज़ा नहीं है जीवन का <coughs> तो आज के क्वेश्चन हॉक एयर डिफेंस इक्विपमेंट इज मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हाँ जी भाई साहब ये आपको मालूम है यूक्रेन को दिया जा रहा है रशिया से लड़ने के लिए हालांकि आपको सच्चाई बताऊं तो 60 साल पुराना ये सिस्टम है हॉक जिसे यूएसए में बनाया गया था 1959 में इंडक्ट किया गया था और पिछले 20 साल से यूएसए से इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है ये जो है अंदर पड़ा हुआ है स्टोरेज यूनिट्स में इसे निकाल के दिया जाएगा ठीक है आगे विच इंस्टीट्यूट वन द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड फॉर द ईयर दो हजार इक्कीस हाँ जी 2021-22 -20 का इंटेलेक्ट नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड हाँ जी जिसे नीपा कहा जाता है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड किसे दिया गया है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड जहां पर सबसे ज्यादा इनोवेशन भारत में आजकल हो रहे हैं राइट आंसर इज योर आई आई टी मद्रास आई टी मद्रास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द की फीचर ऑफ इंडिया यूके रोड मैप दो हजार बीस तीस बीस दो हजार तीस फॉर फ्यूचर रिलेशन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एडुकेशन बूस्ट इंडियन स्टार्टअप या न्यूक्लियर एनर्जी आज ही पढ़ाया आपको अभी कि दो हजार बीस तीस का जो हमारा रोड मैप है उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है एजुकेशन है माइग्रेशन है उसके अलावा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं न्यूक्लियर एनर्जी पर अब देखो वैसे भी दुनिया थोड़ा पीछे हट रही है तो न्यूक्लियर एनर्जी तो अब वैसे भी ज़्यादा सीन में है नहीं क्योंकि तो अब बात हो रही है क्लीन एनर्जीज की सोलर एनर्जी वगैरह पे ज़्यादा प्रमोशंस हैं इस समय विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अनदर नेम फॉर डर्टी बॉम्ब्स रेडियोलॉजिकल डिस्पर्जल डिवाइस पैलेट बॉम्ब्स रेडियोलॉजिकल एक्सपोजर डिवाइस डायनामाइट एक्सपोजर डिवाइस हाँ जी <coughs> तो बेटा ये डर्टी बॉम्ब्स ये आरोप लगाया है पुतिन साहब ने कि जेलेंस की इस्तेमाल कर रहे हैं ये बेसिकली रेडियोलॉजिकल डिस्पोजल डिवाइस होती हैं ठीक है ओके क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज नेम अल्मानिया वॉ स्पार्टेड द फॉलोइंग स्टेट हाँ जी कहाँ पर पाया गया ये अभी आपको बताया है ये अलमानिया मल्टी फ्लोरा नाम का स्पीशीज एक सौ अट्ठासी साल बाद पिछली बार ये श्रीलंका में पाया गया था अभी ये केरला के पल्ला काड में देखा गया है तो ये हो गया भैया हमारा आज का करंट अफेयर्स ख़त्म तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की करंट अफेयर्स अच्छी लगी होगी और ये हमारा शेड्यूल है इसका पालन करिए ताकि आप अपने एग्जाम्स में और अच्छे से तैयारी कर पाए ये इंडिया अग्निवीर का है ये सी डी का है और एम बाइप की ऐप अगर डाउनलोड नहीं की है तो फटाफट जाइए एम बाइप की ऐप को अभी स्टोर पर और आयुष्टेप दोनों पर अवेलेबल है और अगर आप चाहें तो हमसे अपने डाउट्स सीधे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और अगर आपको पी डी एफ पढ़ना है तो आप एमबाइप अचीव डिफेंस एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं यह आज का हमारा करंट अफेयर्स हो गया उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज की क्लास So thank you so much, everyone, for joining this class. It was indeed great pleasure teaching you all. So I'll meet you tomorrow. Till then, do take care of yourselves. Jai Hind, Jai Bharat, and Vandemat. Keep imbibing. We believe in.